हेलो व्यूअर्स, तो आप सब कैसे हैं? आई होप कि आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ क्वार्ट्स का क्लास। इससे पहले मैं बता चुका हूँ ऑलरेडी कि कैसे मेजर स्केल और माइनर स्केल फाइंड किया जाता है। तो आज मैं बताने वाला हूँ कैसे हम लोग क्वार्ट्स फाइंड कर पाएंगे और कैसे आप लोग मेरी तरह ऐसे क्वार्ट्स चेंजिंग और क्वार्ट्स प्ले कर पाएंगे। तो यही हम लोग आज के क्लास में देखेंगे। तो आइए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो देखिए, मैं वेस्टर्न स्केल में बता चुका हूँ ऑलरेडी क्या क्या नोट्स होता है। 12 नोट्स होता है, ए शार्प और बी फ्लैट बी, ये सब मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। जो लोग नहीं देखे हैं मेरा डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर लीजिए, वहाँ पर लिंक दिया हुआ है। तो आज मैं बताना चाहता हूँ कि हिंदी नोटेशन में या इंडियन नोटेशन में जो 12 स्वरास होते हैं या फिर 12 जो नोट्स होते हैं वो क्या है। देखिए, पहले तो एक सा होता है, ठीक है। मैं ये सब क्यों बोल रहा हूँ आगे चलकर आप लोग को पता चलेगा कि देखिए, इंडियन नोटेशन में पहला जो नोट है वो सा है, यहाँ पर भी 12 नोट्स होगा। नेक्स्ट नोट क्या होगा? कोमल रे होगा, ठीक है। और उसके बाद थर्ड नोट क्या होगा? रे होगा, शुद्ध रे जिसको कहते हैं, ठीक है। कोमल मीन्स, देखिए, वेस्टर्न नोटेशन में जिसको हम लोग फ्लैट कहते हैं वही इंडियन नोटेशन में कोमल कहलाया जाता है, ठीक है। और शुद्ध किसको कहते हैं? जो नेचुरल होता है। तो पहला नोट जो है सा होता है, दूसरा नोट कोमल रे होता है, तीसरा नोट रे होता है और चौथा नोट कोमल गा होता है, ठीक है। वही फ्लैटेड गा, गा जो नोट होगा उसका एक फ्लैट वर्शन, ठीक है, उसका ठीक एक नोट पीछे, उसको कहते हैं कोमल गा। फिर आएगा शुद्ध गा, फिर आएगा मा। मा का कोई कोमल वर्शन नहीं होगा, मतलब फ्लैट वर्शन नहीं होगा, ठीक है। मा का शार्प वर्शन होगा, उसको इंडियन नोटेशन में या हिंदी में तीव्र मा कहते हैं, ठीक है। तो कोमल गा, गा, मा, फिर तीव्र मा, फिर पा आएगा, ठीक है, पा। तो उसके बाद क्या होगा? कोमल दा, ठीक है, आपके स्क्रीन पे जैसे आ रहा है आप लोग नोट कर लीजिए। फिर कोमल दा के बाद आएगा धा, फिर कोमल नी, फिर नी, ओके। तो आप लोग देख सकते हैं 12 नोट्स कंप्लीट हो चुका है। सा, कोमल रे, रे, कोमल गा, गा, मा, तीव्र मा, पा, कोमल दा, धा, कोमल नी, नी। तो ये 12 नोट्स इंडियन नोटेशन में ऐसे कहलाया जाता है, ठीक है। तो आइए देख लेते हैं कैसे क्वार्ट्स फाइंड किया जाता है। हम लोग तो ऑलरेडी जान चुके हैं कैसे मेजर स्केल, कैसे माइनर स्केल फाइंड किया जाता है। तो क्वार्ट्स किसी भी स्केल से ही फाइंड होता है। तो आप एनी स्केल ले लीजिए, तो किसी भी स्केल का सा नोट, गा नोट और पा नोट, ये अगर तीन नोट हम लोग एक साथ प्ले करेंगे तो एक क्वार्ट बन जाएगा, ठीक है। तो यही कॉन्सेप्ट है क्वार्ट्स का। तो स्केल में हम लोग इंडिविजुअली नोट्स प्ले करते थे, जैसे मान लीजिए सी मेजर स्केल का मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। तो यहाँ पर क्या हुआ, इंडिविजुअल 1x1 नोट हम लोग प्ले किया, ठीक है। तो क्वार्ट्स में मोर देन वन नोट्स एट ए टाइम हम लोग को प्ले करना है। तो किसी भी स्केल का सा नोट, गा नोट और पा नोट हम लोग अगर एक साथ प्ले करेंगे तो उसको एक क्वार्ट कहेंगे। अब आते हैं मेजर और माइनर। क्वार्ट्स भी बहुत तरह का होता है, प्रोफेशनल लेवल में बहुत तरह की क्वार्ट्स हम लोग आगे चल के देखेंगे। तो इनिशियल या बेसिक लेवल पे हम लोग देख लेंगे सिर्फ मेजर या माइनर। मैं स्केल के बारे में भी बता चुका हूँ कि बहुत सारा स्केल्स होता है म्यूजिक में, लेकिन अभी हम लोग इनिशियल लेवल पे सिर्फ मेजर और माइनर स्केल में ही फोकस करेंगे। तो क्वार्ट्स में भी सेम कंसेप्ट, अभी हम लोग सिर्फ मेजर और माइनर क्वार्ट में ही फोकस करेंगे। तो सा गा पा, किसी भी स्केल का सा गा पा अगर एक साथ प्ले करेंगे तो वो तो एक कॉर्ड बन जाएगा, लेकिन मेजर कॉर्ड कैसे बनेगा और माइनर कॉर्ड कैसे बनेगा और डिफरेंस क्या है, यही हम लोग अभी जान लेंगे, ठीक है। तो किसी भी स्केल का, जैसे मान लीजिए मेजर स्केल का, तो मैं एग्जांपल दे रहा हूँ सी मेजर स्केल का। तो सी मेजर स्केल का मैं सा नोट ले लिया, सी का सा होगा सी, और थर्ड नोट जो है, थर्ड नोट वो गा होगा, 1 2 3 सी डी ई। तो ई नोट हो रहा है गा नोट, सी स्केल के रिस्पेक्ट में ई नोट होगा गा, ठीक है। तो सा हो गया सी, गा हो गया ई, मतलब शुद्ध गा जो है, ठीक है। तो सी ई जी, जी मीन्स फिफ्थ नोट। फिफ्थ नोट क्या होता है इंडियन नोटेशन में? पा होता है। तो देखिए, सा गा पा मैं एक साथ होल्ड कर लिया, सी फिफ्थ स्ट्रिंग थर्ड फ्रेट, ई फोर्थ स्ट्रिंग सेकेंड फ्रेट एंड गा मतलब कि जी थर्ड स्ट्रिंग ओपन। तो ये जो तीन नोट हो गया, तो ये अगर एक साथ ऐसे प्ले करेंगे तो इसको सी मेजर कॉर्ड कहलाया जाएगा, ठीक है। तो मेजर कॉर्ड कैसे फाइंड होता है? किसी भी स्केल का सा नोट, शुद्ध गा नोट और पा नोट एक साथ अगर प्ले करेंगे तो उसको कहेंगे मेजर कॉर्ड। और तो चलिए देख लेते हैं माइनर कॉर्ड कैसे फाइंड किया जाता है। तो किसी भी माइनर स्केल का वही कंसेप्ट, सा नोट, गा नोट और पा नोट। बट देखिए, माइनर स्केल में क्या होता है, गा नोट
कोमल हो जाता है। इसीलिए मैं प्रीवियस क्लास में मैं बताया था कि माइनर स्केल का जो सारेगामा पा होता है वो मेजर स्केल से थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, इसलिए क्योंकि माइनर स्केल में गा जो है वो कोमल होता है, धा जो है वो कोमल होता है और नी जो है वो कोमल होता है। तो गा, धा और नी ये माइनर स्केल में कोमल होता है, इसलिए थोड़ा डिफरेंट साउंड करता है, ठीक है। लेकिन मेजर स्केल में शुद्ध गा यूज़ होता है, सब नोट शुद्ध यूज़ होता है, इसीलिए मेजर स्केल जो है वो माइनर स्केल से डिफरेंट साउंड करता है। और हम लोग जो है वो मेजर स्केल सुन के, ज़्यादा सुन के वो ज़्यादा यूज टू है, मेजर स्केल का सारेगामा पास से ज़्यादा यूज टू है, इसलिए हम लोग सारेगामा मीन्स यही टोन को ज़्यादातर जानते हैं। आप में से बहुत सारे यही टोन ज़्यादा जानते हैं कि सारेगामा मीन्स यही होता है, लेकिन नहीं, माइनर स्केल का भी ये जो है ए माइनर स्केल, ये भी एक सारेगामा है, लेकिन डिफरेंट साउंड करता है किस लिए, क्योंकि यहाँ पर कोमल गा प्ले हो रहा है, कोमल धा प्ले हो रहा है और कोमल नी प्ले हो रहा है, इसलिए ऐसा साउंड करता है। तो किसी भी स्केल का सा नोट, कोमल गा नोट और पा नोट ये अगर हम लोग होल्ड करेंगे तो वो हो जाएगा माइनर कॉर्ड, ठीक है। जैसे सी स्केल का देखिए, अगर सा नोट होल्ड किया, ये सी है और कोमल गा मीन्स ई फ्लैट, ओके, गा ई हो रहा है तो कोमल गा मीन्स एक फ्लैट होल्ड करना पड़ेगा, सो ई फ्लैट, और पा मीन्स जी, सो ये हो गया सी माइनर कॉर्ड, ठीक है। तो आई थिंक आप लोग को क्लियर हो गया होगा कि कैसे कॉर्ड्स फाइंड किया जाता है। मैं नेक्स्ट क्लास में बताने वाला हूँ कि कौन सा स्केल में कौन सा कॉर्ड्स यूज होता है ज़्यादातर, ठीक है। और किसी भी सॉन्ग अगर हम लोग सुनेंगे तो कैसे उसका कॉर्ड्स आइडेंटिफाई कर पाएंगे और स्केल आइडेंटिफाई कर पाएंगे, तो ये भी मैं बताने वाला हूँ। तो मेरा चैनल को फॉलो रखिए, और आई थिंक आज का क्लास आप लोग को अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कॉमेंट। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, थैंक यू सो मच।